राजस्थान में आए दिन ऐसी जातिवादी दर्दनाक घटनाएं होती रहती हैं। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस की सरकार वहां खासकर दलितों, आदिवासियों और उपेक्षितों आदि के जान और इज्जत आबरू के सुरक्षा करने में नाकाम है। अतः इस सरकार को बर्खास्त कर वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाए तो बेहतर। बीएसपी प्रमुख मायावती का ये ट्वीट है। राजस्थान के जालौर में एक टीचर की हैवानियत मामले को लेकर उन्होंने इस कांड को लेकर गहलोत सरकार को जिम्मेदार ठहराया है और वहां राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करती है। दरअसल यहां एक स्कूल टीचर पर आरोप लगा है कि उसने 9 साल के एक दलित बच्चे को मटके से पानी पीने पर जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद 13 अगस्त को उसकी मौत हो गई थी। घटना के बाद दलित समाज के लोगों में काफी आक्रोश है और जालौर में तनाव के हालात को देखते हुए इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है। उधर आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद भी सीएम गहलोत के खिलाफ मुखर हुए हैं। बकौल चंद्रशेखर, राजस्थान के पूरे दलित समाज को बधाई हो। अशोक गहलोत जी ने हमारे 9 साल के भाई की जान की कीमत 5 लाख रुपए लगाई है। मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि 5 लाख रुपए लो और अपने मुंह पर ताला लगा लो। जब भविष्य में किसी जितेंद्र या इंद्र की हत्या हो तब रोना और चिल्लाना। न्याय में भी दोहरा मापदंड। जाहिर है ये कांड लगातार सियासी रंग ले रहा है। गहलोत सरकार निशाने पर है और जाति विशेष के साथ पक्षपात का आरोप चरम पर।